नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान वह राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला समेत देश के बड़े नेताओं के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने अपने श्रीनगर दौरे की फोटो शेयर की, जिनमें से एक फोटो की चारों ओर चर्चा है। दरअसल सपा मुखिया ने एक फोटो शेयर किया, जिसमें उनकी बेटी अदिति यादव और बेटा अर्जुन यादव उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दूसरी बार है कि अदिति यादव किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखाई दी हो। इस फोटो से लग रहा है कि मानो मुलायम परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में आने के लिए तैयार है। इससे पहले अदिति ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मां डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में घर घर जाकर छोटी छोटी सभाएं की थी और वोट मांगे थे। अदिति को पहली बार मैनपुरी के कुसमुरा में डिंपल यादव की एक सभा में देखा गया था, जहां वो महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अपनी मां का भाषण सुन रही थी। वहीं जब डिंपल से इसको लेकर सवाल पूछा गया कि आपकी बेटी भी आपके साथ चुनाव प्रचार में दिखाई दी हैं, तो क्या यह माना जाए कि मुलायम सिंह यादव की अगली पीढ़ी भी राजनीति में आने को तैयार है, इसको लेकर उन्होंने कहा था कि सबको सभी तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर बच्चे छुट्टी पर घर आए हुए हैं तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह चुनावी उत्सव चल रहा है। सैफई परिवार से मुलायम सिंह यादव नेताजी ने सियासत में पहला कदम रखा था। इसके बाद भाई शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी राजनीति में आए। फिर नंबर आया दूसरी पीढ़ी यानी अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव का। उसके बाद बहू डिंपल यादव ने भी राजनीति में एंट्री ली। मुलायम की तीसरी पीढ़ी के रूप में तेज प्रताप यादव आए। उन्होंने मुलायम सिंह द्वारा सीट छोड़ने के बाद मैनपुरी उपचुनाव जीता और संसद पहुंचे।